है, जबरदस्ती काटे चालन है या नो, 500 रुपए लिखा, नाम बता, ये बता। खड़े हैं पुलिस वाले, खड़े हैं, चालान तो कट रहे, रोड बन नहीं रहे, यहाँ रोक रोक के यहाँ पे 500 रुपए के चालान भर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR मिरर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति। आज हम फरीदाबाद के सीधे उस पुल पे खड़े हैं जो आपको NIT की तरफ लेके जाता है। सीधे NIT की तरफ जाते हैं आप जिस पुल से, उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है और पूरे 24 घंटे जो आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैफिक चालू ही रहता है। 3 महीने पहले यहाँ पे एक पुल के नीचे जो आग लगी थी जिसमें पूरा पुल जो है वो डैमेज हो गया था। उसके ऊपर से सरकार और यहाँ की जो प्रशासन है उन्होंने इस पुल पे बेसिकली आवाजाही बंद कर दी थी। बताया ये जा रहा था कि एक कबाड़ी की दुकान की वजह से आग फैली, तो इसमें लोगों का कहना है कि सिर्फ उसकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती भी है, क्योंकि यहाँ पे जो पुल के नीचे है वो कचरे का ढेर लगा हुआ होता है। जैसे आप यहाँ पे साइड में ये देखिए, यहाँ पे साफ़ सफाई की सरकार को कोई प्रशासन की यहाँ पे इतनी रुचि होती नहीं है कि चलिए साफ़ सफाई करवाएं या कुछ भी। तो जिस वजह से था ये घटना, इतनी बड़ी घटना देखने को मिली थी कि पूरा एक ये जो पुल है जो लाखों हज़ारों लोगों को NIT की तरफ लेके जाता है, उनका डेली का रूटीन है आने जाने का, उसको किस तरह से प्रभावित किया, एक पुल ने कैसे उनको प्रभावित किया है। और देखिए इसकी वजह से जो है कि काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है, भारी भीड़ हो जाती है क्योंकि एक ही सिंगल पुल है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आप देखिए यहाँ पे, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो यहाँ पे अभी 3 महीने हो गए पुल के नीचे जो आग लगी थी, तो अभी तक खास जो है रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हुआ नहीं है, तो इसके लिए क्या सरकार प्रशासन जो यहाँ की वो दोष है, मतलब ढीलबाजी कर रहे हैं, या क्या आपकी तरफ क्या लगता है? मैम, जब से इसमें आग लगी थी जब से अभी तक इसमें रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं हुआ। बाकी इसका कई चौकों पे इसकी वजह से जाम लगता है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है बहुत। बाटा चौक हो गया, नीलम, हजरौंदा, इस हार्डवेयर चौक, एक हार्डवेयर चौक है, प्याली चौक है, हमेशा इनमें जाम लगा रहता है। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलती है या क्या है, क्या अब तक काम नहीं हो पाया? 3 महीने हो गए, बहुत होते हैं 3 महीने। इसमें तो गलती तो है ही, नगर निगम की भी गलती है, जो इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे, काम होता ही नहीं है। हम तो बहुत दिन हो गए हमें देखते देखते, हार्डवेयर पूरा जाम रहता है, टूटा पड़ा है, काम होता नहीं, नगर निगम भूखा मर रहा है। नेता अपनी जेब भरते, सब ऐसे ही है रहा। तो कितने दिन से बंद है? 4-5 महीने हो गए इसको, और अभी तो बंद रहेगा मेरे हिसाब से 5-6 महीने और। सर तो आप जैसे यहाँ पे आपका शायद ऑफिस है या काम जो भी करने आते हो आप, जॉब वगैरह, तो आपको काफ़ी हैवी ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ता है। वो तो करना ही पड़ता है, गाड़ी किसी की बाइक से आते हैं या पैदल आते हैं, कोई ना कोई कैसे ना कैसे ड्यूटी तो जाएगी, अब रोड की वजह से काम तोड़ देना पड़ेगा। मैडम, सरकार तो भाई फंड के नाम पर करवा देती है, हमारे पास फंड नहीं है, फंड जबकि पास हो चुका होगा सरकार का। 40 रोड में ट्रैफिक हो रहा है, ये अभी तो 3 से 4 महीने हो गए से बनते हुए, अब तक नहीं बना, ना कोई कार्रवाई हुई है इस पर मैडम। और ये जाम भी लगा रहता है, पुलिस वालों का काम है सिर्फ चालान काटना, फंड अवेलेबल करना, और न ट्रैफिक से मामले में कुछ वो करना। और जैसे अपना प्याली और हार्डवेयर वाला रोड है वो भी अब तक खुदा पड़ा, उसमें कितने एक्सीडेंट हो गए मैडम, और कितने सैलरी भी है, सैलरी भी बाइक वाइकों को रोक रोक के 500 की पर्ची काट के इसमें सैलरी परचेज कर रहे हैं, सैलरी वो कर रहे हैं अपनी, और कोई काम हो नहीं रहे। गरीब भाई पहले ही बहुत ज्यादा है, नगर निगम ने कहा था रोड बनवा देंगे, प्याली जा रहे हैं और अब तक नहीं, और ये इसकी वजह से पूरा NIT ब्लॉक पड़ा, पूरे NIT में जाम लगता है सिर्फ इस नीलम पुल की वजह, क्योंकि मेन रोड ही यही है मैडम जाने का। तो बेसिकली ये है कि एक पुल की बंद होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना, बहुत ज्यादा दिक्कत करना पड़ रहा है, इसके सफर पूरी पब्लिक सफर कर रही है। पुलिस वाले खड़े हैं, चालान तो कट रहे, रोड बन नहीं रहे, यहाँ रोक रोक के यहाँ पे 500 रुपए के चालान भर रहे हैं हर कोई। जी जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे लोगों को एक तो इस पुल की वजह से परेशानियाँ जो है उससे दो चार होना पड़ता है, तो एक और परेशानियाँ ये भी है इनकी कि यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं और वो चालान काटते रहते हैं, जो सिंगल लोग हैं या कैसे भी, मतलब थोड़ी सी इधर से उधर लापरवाही तो फट से चालान कट जाता है इनका। तो पुल के साथ साथ एक ये भी दिक्कत है, लोगों की परेशानियाँ हैं, तो जाहिर है सरकार गवर्नमेंट ये बता दे फंड अवेलेबल नहीं है, हमारे पास फंड है नहीं है, गवर्नमेंट तो बात ही दूर की, गवर्नमेंट नगर निगम के पास भी ये तो इन्होंने सोच लिया जहाँ भीड़ है जहाँ जाम लग रहा है वहाँ 500 पर्ची उड़ा दो, ले लो 500 रुपए का ही बोल है या नो है, जबरदस्ती काटे चालन है या नो, 500 रुपए लिखा, नाम बता, ये
नहीं हो तो रॉन्ग साइड बदन कहा कर रहे हैं, कहा करेंगे समझते ही बाहर। दूसरी बात मैडम, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, स्कूल में अब तक 3-4 महीने हो गए और इसका मुद्दा सुना आपने कि कैसे इन लोगों का कहना है कि इसमें साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग 3 महीने पूरे होने को हैं और फिर भी इसमें एक ढंग से रिपेयर का काम शुरू नहीं हो पाया है और अभी तक जो है पुल की खस्ता हालत बनी हुई है। पुल के जो है ऊपर कोई भी हैवी जो गाड़ियाँ होती है, जैसे ट्रक हो गए, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं वो अभी भी नहीं आ जा पा रही हैं और छोटे वाहन ही जाते हैं, और इसके विपरीत लोगों को पुलिस वालों से भी दो चार होना पड़ता है, वो अलग परेशानी है इनकी।